I'm trying to just add my guest for today. So it's showing adding till the time. Please bear with me. And I welcome you to my show. What's going? What's your story? हेलो, हाय मैम, वेलकम। हाय, थैंक सो यू, फाइनली वी डिड इट ऑन फेसबुक। दिस इज माय सेकंड टाइम एंड योर फर्स्ट टाइम। सो आई वुड लाइक टू क्विकली यस, स्टार्ट द शो विद हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स योर स्टोरी बाय माधवी। एंड आई एम माधवी योर होस्ट फॉर द इवनिंग एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। माधवी, यस आई एम हियरिंग द डबल साउंड, डबल साउंड, ओ इज इट द एक्वाइंग साउंड। इकोइंग, यस इट इज इकोइंग। अच्छा, ओके नाउ कैन यू हियर मी प्रॉपर? आई कैन हियर यू प्रॉपरली। Now it's okay. इट्स ओके Yeah. ओके Yeah, okay. सो आई वाज ऑलमोस्ट टेलिंग माय गेस्ट दैट आज की जो शख्सियत है हमारे No, no, सामने। it is overlapping. It is overlapping somewhere. ओवरलैपिंग Yeah, it is overlap. इज इट समथिंग टू डू विद योर सिस्टम ओवर देयर? सम साउंड इज ऑन ओवर देयर? नो, हेयर इज नो साउंड ऑन। नो, ब्लूटूथ समवेयर ऑफ एल्स। कर। ब्लूटूथ कॉजेस सम प्रॉब्लम समटाइम्स। नो नो, ब्लूटूथ इज ऑफ ऑलरेडी। नाउ इट्स ओके। नो, नो कैन आई चेक वंस? यू कैन मैम रीज्वाइन आई गेस इफ यू कैन। नाउ इट्स ओके, आई थिंक इट शुड बी नाउ आई फाइन। नाउ आई कांट हियर यू। यू कैंट हियर मी? जस्ट अ मिनट। ओके टेक योर टाइम, जस्ट जस्ट अ मिनट, आई एम टेक जस्ट योर टाइम। चेकिंग। श्योर या श्योर या श्योर श्योर श्योर। श्योर श्योर श्योर। सो टिल द टाइम लेट मी जस्ट Tell our viewers something about you and your achievements. It's it's delaying and it's coming. Okay. It's clear now, people say. Yeah, it is delaying. Yeah. Yeah, there will be a lag, I guess. That's how Facebook Live is. But is it clear what I mean to say? Is it clear or not? The echoing has just gone or not? It's echoing and I cannot hear proper. It is delaying. It is come. It is clear. It is yeah. Okay, so should I start now? See, you can hear me. It is delaying. It's coming late to me. I'm hearing very. Yes, you can start, but if you can log in again, it is. Okay. Wait. You to please rejoin. That's Okay, all I I can will. request. Yeah, I'll rejoin. I'll rejoin. Yeah. You can rejoin, ma'am. So I'm sorry about the voice problems that is happening. This is technology we have to bear. And till that time, please don't go anywhere.
So yes, I was talking about ma'am Sarita Hussain ji. She's wife of Mrs. Zakir Hussain ji, who's a very, very big film actor. And she's a very big theater artist, and she has her own theater group. And she's a writer, a creative writer. She's a trained dancer. And what not all. She has two beautiful kids. One is 25 years old. And one is 9, a girl, a small girl. So I think I have to, yeah, she's here again. It's just adding. So इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से टीचर्स ट्रेनिंग इन डिप्लोमा इन ड्रामा किया है एंड शी होल्ड्स अ ह्यूमन राइट्स डिप्लोमा फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी एंड शी हैज बीन टीचिंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम पास्ट 18 इयर्स नाउ एंड शी इज टू गुड व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन यू नो शी डायरेक्ट प्लेज एंड She has her own play theater group with the name of Theater Circle, which was founded in 2014. And next, we will be only getting to know from her. Okay. Yar, what is this? This is strange, yar. Facebook is strange. Ad kyun nahi karo, yar? This is making yar, this is so strange. ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी, वी विल फाइट विद द टेक्नोलॉजी. यस यस आई वाज जस्ट यस मेंशनिंग एवरीबॉडी कि मेरी लड़ाई चलती रहेगी टेक्नोलॉजी के साथ जब तक आप आ नहीं जाते. आई गेस आई रियली वांटेड टू डू दैट्स कॉल्ड द एवरी लाइफ. टेक्नोलॉजी. सो थैंक मैम, यू सो वेरी मच. आई शुड बी वेलकमिंग यू एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन मैम. सो आई स्टार्ट द शो एज आई डू विद माय रेगुलर ग्रीटिंग. हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन टू येट अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स योर स्टोरी बाय माधवी. सो मैंने बहुत बहुत सारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपके बिना दे दिया है लोगों को. अब मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये सरिता जी जब छोटी सी बच्ची थी, जो कि हमारे शो का फॉर्मेट है, तो जब वो फ्रॉक पहन के घूमती होंगी तो वो कैसी बच्ची थी? हम उस बच्ची के बारे में जानना चाहते हैं. थैंक यू माधवी, थैंक यू इनवाइटिंग मी. सो प्लेजर. आई एम सरिता, सरिता हुसैन. यस, आई ऑल एंड मेंशन माय गेस्ट्स. सो जब सरिता हुसैन नहीं थी, सरिता चौहान होती थी. सो व्हेन सरिता वाज चौहान, वेरी नो, राजपूत यस जी. सो सरिता वाज वेरी क्यूरियस बिकॉज जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो जगह जो है बहुत राइट. सारे आर्ट और बहुत सारी आर्ट फील्ड और बहुत बड़े 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 आर्टिस्टों से सराउंडेड थी. मैं पैदा हुई थी दिल्ली के मंडी हाउस में. मंडी हाउस में ओके एक जगह है भगवानदास रोड, जी वहाँ मैं पैदा हुई थी. और जी मंडी हाउस में बहुत सारा पूरा देर इज अ आर्ट हब. वन साइड कॉलेज ऑफ आर्ट, ललित कला एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कथक केंद्र, संगीत भारती, भारतीय कला केंद्र, कमानी ऑडिटोरियम. सो आई वॉज सराउंडेड ऑल ऑफ दैट. क्या क्या तो नहीं मैं था. बहुत कुछ था. और जिस तरफ भी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जिस तरफ भी आंख उठा के देखती थी एक नई कला की चीज दिखाई देती थी. और मुझे लगता था ये क्या है, ये क्या है.
कुछ लोग जोर जोर से बातें कर रहे होते थे, अलग अलग कैरेक्टर भी हो रहे होते थे, कुछ बाहर बैठे होते थे। तो मैं सोचती थी ये दो लोग खड़े होके क्यों बोल रहे हैं और इतने सारे लोग आसपास क्यों खड़े हैं। फिर पता लगा ये लोग ना रिहर्सल करते हैं। ऐसे रिहर्सल, व्हाट इज रिहर्सल? अरे ये प्ले करते हैं, नाटक करते हैं। ओ नाटक करते हैं, अच्छा। फिर घुंघरुओं की छनकार मैं देखती थी, बहुत बड़ी बड़ी डांसर जो बाद में इतने नाम हुए, मैं उनको देखती थी झोले में अपने घुंघरू ले जाते हुए, चम 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 चम, तो बहुत फैसिनेशन होता था। बट जी कुछ हाँ समझ में नहीं आया था कि क्या है, पर ये था कि हाँ यही मेरी दुनिया थी। फिर धीरे धीरे डांस प्रोग्राम्स देखने शुरू किए, प्लेस देखने के लिए एक आध बार गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल और आई डिड नॉट गेट एनी गाइडेंस, क्योंकि मुझे ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी। कभी मेरे फादर ले गए तो कभी स्कूल की तरफ से चले गए, दो जी आई वॉज वेरी मच इन द बिटवीन ऑफ दैट द आर्ट हब। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों से जानकारी नहीं थी। तो सरिता चौहान जो थी बहुत क्यूरियस रहती थी कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती गई। तो अगर मैं एक अपना किस्सा बताऊं कि कैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ थिएटर से, या क्या, मेरे पापा, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, होता है ना कि हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर बनूँ, कथक डांसर ओ बनूँ वो भी। ओ वाह तो अब डांसिंग से फैसिनेशन तो था मेरा, लेकिन जी मुझे कथक डांस करना है कि भरतनाट्यम करना है कि कुचिपुड़ी करनी है, इसका कुचिपुड़ी करनी है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। राइट अब हुआ यूँ कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। तो एक बहुत ही बड़ी महान नृत्यांगना है, वो उनकी बॉस हुआ करती थी, और मेरे पापा उनसे बहुत फैसिनेट थे। तो एक आध बार उनके प्रोग्राम्स भी देखने गए थे। तो मेरे पापा चाहते थे कि भाई मेरी बेटी भी डांसर बने। तो उन्होंने उनसे बात की और कहा कि भाई इफ़ यू कैन अलाउ माई डॉटर, आई वॉन्ट टू जस्ट सेंड टू यू। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ज़रूर भेजो। तो उनकी माता जी कथक की क्लासेस चलाया करती थी दिल्ली में, एक जगह है पंडारा रोड, और पंडारा रोड पर ही मेरा स्कूल था। वाह वाह तो वाह फिर एक कन्वीनियंस हो जाती ना माँ बाप को कि अरे छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा या या लाने स्कूल नहीं के जाना बाद पड़े। शी कैन गो तो ये सब हुआ, हाँ पर वो समहाउ मैं उनकी क्लास में नहीं जा पाई और वहाँ नहीं ज्वाइन हुआ। तो क्योंकि घर के पास का था केंद्र था, भारतीय कला केंद्र था। हाँ तो फिर पापा के कोई फ्रेंड थे, वो इसमें रविंद्र भवन में थे। जी तो उन्होंने बोला अरे अरे वो जो गुरुजी हैं वो मेरी पहचान के हैं, और आप इसको ना भारतीय कला केंद्र में डाल दो अपनी बेटी को। और मैं डांस में मेरा एडमिशन हो गया। ऐसे लेकिन मैं ये डांसर तो बनी। डांस आपने सीखा, बट आप बचपन में जब स्कूल में थे तो कितने नटखट और शरारती थे वो बताइए। कोई किस्सा है कि जब आपने किसी को परेशान किया हो, बुली किया हो, या खुद बुली हुई हो या परेशान हुई हो? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, आप मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें याद बताना हैं। पड़ेगा, एक तो बताना पड़ेगा। मैं बचपन में बहुत शरारती होती थी, बहुत, मतलब इंतहा की शरारत जिसको बोलते हैं। हम लोग आर्मी कंटोनमेंट एरिया में रहते थे, वहाँ पर जी आर्मी कॉलोनी है, अभी वो टूट के थोड़े अपार्टमेंट्स बन गए हैं। हाँ तो और जैसे टॉम बॉय बोलते हैं ना, टॉम बॉयश, मैं थोड़ी हाँ सी रिबेलियन टाइप की थी, और रिबेलियन बहुत, हाँ मतलब अगर कोई सीरियसली बोलेगा, हाँ सीरियसली कोई मुझे बोलेगा ये नहीं करना, तो मैं सोचती थी क्यों नहीं, क्यूरियसिटी जरूर होती थी। अच्छा ये क्यों नहीं करना, ये तो करना पड़ेगा ना, तभी पता लगेगा कि क्यों नहीं करना है। तो वो हाँ क्यूरियसिटी वो मेरे बच्चों में भी आ गई है ये कि क्यों नहीं करना। तो क्यों का जवाब उस वक्त तो हम शायद पूछते नहीं थे अपने मम्मी पापा से कि क्यों नहीं करना है ये। हाँ तो हिंदी फिल्में ना, हिंदी फिल्में देख के उसमें जो एक्शन सीन्स होते थे ना, और डुशुम और ये और वो, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता था। और जो हमारे ग्रुप में बॉयज़ हुआ करते थे, तो आई यूज़ टू ट्राई ऑन देम, मतलब पंच करना उनको, मारना कितनों को मारा उनको। आपने यार और उसी से एक
नहीं एक देखिए, बहुत दो दो चीजें होती हैं, एक तो अपनी अदाओं से मारना होता है जो बचपन में बच्चे करते हैं, लेकिन आपने तो सच्ची में पंचेस मारे हैं यार, है अल्लाह सर। अदाएं तो मैंने सीख ही दी, अदाएं तो मुझे पता ही नहीं लगी, मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं लड़की भी हूं, ये तो मुझे टू पता मच ही है। नहीं, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया था एक खास उम्र तक कि मैं लड़की हूँ, जब तक कि आपको बायोलॉजिकल चीजें नहीं आ रही, ऑफ लेकिन मुझे कोर्स हाँ, तब तक मुझे नहीं पता था कि लड़की और लड़के में क्या फर्क होता है। लेकिन ये सब फिल्मी और ये एक्शन देख के एक चीज आ गई थी, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो मैं उसमें इंटरवीन कर लेती थी, अच्छा, चली जाती थी बीच में, तो क्योंकि ऐसे ही बॉस बॉस बनने की तो आदत थी ना, आई एम द बॉस। राइट, यू ऑब्जर्व मी रियली, आप बहुत स्टडी कर लिया आपने, मुझे तो समझ लिया है। तो मेरे घर के पास ना एक लेबर्स का एक कैंप था, तो एक बार मैं मंडिया उससे घर जा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में ही थिएटर और डांस शुरू कर दिया था, तो सब लोगों के ऐसे ड्यूटी होती थी कि आज कौन घर छोड़ के आएगा, कल कौन छोड़ कर आएगा, इस तरह से ग्रुप के लोग ड्यूटी लगाया करते थे। तो एक बार शाम को आ रही थी रात को, तो वहाँ पर लेबर कैंप लगा हुआ था, कुछ बन रहा था आसपास, एग्जैक्टली मंडी हाउस व्हाइट हाउस के बराबर में। तो आई हैव सीन के एक फैमिली में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है, और उसके बच्चे आसपास हैं। मुझे तो नहीं पता था कि क्यों होता है, क्या होता है, बट मैं चली गई और मैंने उनको पकड़ लिया लिटरली, और मैंने बोला क्यों मार रहे हैं आप, नहीं मार सकते आप, ऐसे कैसे मार रहे हैं। एंड दैट डे आई बिकम वेरी पॉपुलर, मतलब सबको लगता था कि अगर कुछ है ना तो एक दीदी जाती है, छोटी दीदी जाती है, उसको बुला के बोल दो। और ये लिटरली हुआ ऐसे कि आसपास अगर किसी ने भी तो तब वो मम्मी पापा का क्या इंटरवेंशन था, मतलब दे लाइक कहाँ है ये लड़की, क्या कर रही है, एंड दे वर नॉट फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड आई गेस, राइट? दे आर नॉट, दे आर नॉट, दे आर हाँ, नॉट, तो धीरे फिर धीरे से पता लगा उनको कि अरे हमारी बेटी ये सब करके आ गई। तो मेरे पापा ने बोला नहीं बेटा, कल आपके साथ अगर कुछ हो जाए, कोई आपको कुछ मार दे, तो आप ऐसा नहीं करेंगी। मैंने बोला हाँ ओके नहीं करूंगी, बट वो दिन है और आज का दिन भी है, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, तो मैं अपने आप नारी को रोक पाऊं। शक्ति, नारी शक्ति, वुमेन यस एम्पावरमेंट। हाँ, इसीलिए तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि जो शख्सियत हमारे यहाँ शो पे आ रही हैं, वो घर का काम, बाहर का काम, या फिर अपने प्रोफेशनली उन्होंने अपने आप को इतना साबित करके दिखाया है कि थिएटर ग्रुप खोला है, शी इज अ क्रिएटिव राइटर, शी होल्ड्स ह्यूमन राइट्स डिप्लोमा, व्हाट नॉट ऑल एंड तो इसीलिए आई जस्ट स्पोक दैट। ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल कि यू आर अ टॉम बॉयज, नोबडी विल बिलीव एंड ऐसा ऐसा आपने किया हुआ है। सो व्हेन इन स्कूल यू वर देयर, सो हाउ डिड दिस क्रिएटिव राइटिंग एंड थिएटर गॉट इन टू योर माइंड? बिकॉज ऑफ कोर्स द माहौल तो वैसा था आपका आसपास, जैसे आपने की बताया, बट एक अपनी लाइकिंग होती है, क्या आपकी लाइकिंग थी? नहीं, मुझे फैसिनेशन था, लाइकिंग नहीं थी, और कुछ समझ भी नहीं थी, कुछ ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, बट फैसिनेशन था कि ये है क्या, क्यूरियोसिटी के साथ एक फैसिनेशन था कि ये है क्या चीज़। तो स्कूल में एक बार ऐसे हुआ, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और मेरी हाइट थोड़ी नॉर्मल उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब अभी तो ज़्यादा नहीं है, आई एम 5 6, अभी तो अभी अभी ग्रो होते हैं ना, अभी तो ग्रो होना है अभी। हाँ। तो 6th स्टैंडर्ड में मेरी एक क्लासमेट थी, उसकी दीदी थी, सिस्टर थी, शी वॉज वर्किंग इन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, शी वॉज एन एक्ट्रेस, और उनका कहीं कोई कुछ था, तो वी वर डूइंग फॉर हाउस मीटिंग्स होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना ऐसे स्कूल में, तो ऐसे कुछ हुआ। सो उसने मेरे को एक बोला कि अरे मोनो एक्टिंग करते हैं, आई हर्ड द फर्स्ट टाइम वर्ड द मोनो एक्टिंग, क्योंकि एब्सोल्युटली तब तो स्कूल में ड्रामा होता नहीं था, कि ड्रामा पढ़ाया नहीं जाता था, नहीं वैसे पढ़ाया क्या जाता, ड्रामा होते स्किट्स थे। होते थे नॉर्मल, आई मीन हाँ, ऑन अ तो मोनो स्पेशल फेस्टिवल दैट टू, लाइक क्रिसमस और ऐसा कुछ। राइट राइट, तो वो हाउस मीटिंग का था, और हाउस मीटिंग के बाद फिर कंपटीशन, तो शी नरेट द स्टोरी, एक इस पर था कुछ रेसिज्म पर थी, तो उसने बोला ये करने, अच्छा मोनो एक्टिंग, आई हैव नो आइडिया कि व्हाट इज मोनो एक्टिंग दैट टाइम, तो
उन्होंने बोला तीन कैरेक्टर्स हैं और तीनों कैरेक्टर आपको खुद ही करने हैं। शी जस्ट नरेट्स दैट और मैंने वो कर दिया और इट वॉज कॉम्पिटिशन स्कूल और बहुत बड़े हमारा ऑडिटोरियम जो था काफ़ी बड़ा था एंड वो सबको बहुत पसंद आया और मैं काफ़ी पॉपुलर हो गई वहाँ पर कि अरे ये तो एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बट मुझे तब तक नहीं पता था कि एक्ट्रेस भी कुछ होता है। हमारे लिए तो फिल्म स्टार थे, हीरो हीरोइन होते थे, एक्टर वर्ड भी मैं इतना ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं समझती थी उस वक्त पर। बट वो सब हो गया, अच्छा मोनो एक्टिंग हो गया, ख़त्म हो गई वो बात। लेकिन उसके बाद जब डांस के लिए आ गए, अब मैं मतलब डांस करते करते थिएटर में कैसे इंट्रोड्यूस हुई? एब्सोल्युटली वो मैं भारतीय कला केंद्र में डांस करती थी और 2 बजे तक स्कूल होता था और 4 बजे से डांस क्लास होती थी, 4 से 6, 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे। तो भारतीय कला केंद्र में मेरे को डांस क्लास थी, उसके बराबर में कमानी है, लेफ्ट राइट पर रविंद्र भवन है जहाँ पर NSG रिपेट्री है, फिर कमानी टोरियम है, लिटिल थिएटर ग्रुप है। तो एक सीनियर, देयर वाज अ सीनियर स्टूडेंट एंड एक होता ना कि आपको कहीं तो कोई आता है कि कहीं से आपको रास्ता मिलता है। जैसे आज के पेरेंट्स या आज के आपके जो एल्डर्स हैं और आज की जो जनरेशन है, दे आर वेरी फोकस्ड एंड वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव कंपैरेटिव टू माय जनरेशन इफ आई से। और मैं तो सोचती, मैं बहुत बुद्धू थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी क्रिएटिव एंड यू हैव रियली, आई हैव सीन यू पर्सनली, मतलब मैंने देखा उस वे में है कि यू आर रियली अप टू द मार्क, यू आर रियली अप टू द मार्क, यू हैव अ ब्यूटिफुल किड्स एंड आई मीन 25 years old बॉय एंड यू नो अ 9 years old गर्ल और 9, I guess, right? Or 10. She's going to be 10. Okay. Going to be 10. Going to be 10. And uske alawa bhi, you have your own theater. You write, you direct, you ask people what to do. Kya baat hai? I mean, you have shown really what a woman is or what women can achieve. There is no barrier. Thank you so much. Yeah, yeah. No, 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 no. No need to thanks, ma'am. It's just that we need to create a self-awareness about ourselves and take some inspiration from you. Thank you. Yes, so please continue, ma'am. So, uske baad she asked me ki would like to come to me, for what? Ki are, there's a play, I'm doing a play, or if you would like to see a rehearsal. I said yes, okay. What is rehearsal? Wo ek fascination tha na, I heard that word rehearsal ki, I was used to going around and seeing people rehearsing and all that. फिर मैं वहाँ गई और वहाँ LTG थिएटर ग्रुप में टेरेस है बहुत बड़ा और वहाँ पर कम से कम 25 से 30 लोग थे। मतलब अब मुझे पता लगा कि वो कास्ट हुआ करती है, right. वो उस प्ले के वो होते हैं, दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर। तो वहाँ रिहर्सल चल रही थी, डायरेक्टर वाज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस और मैं एक तरफ उधर पीछे की तरफ बैठ गए, डरते डरते सकुचाई सी कि पता नहीं क्या है कैसे है। चाय आई, कुछ आया, चाय पूछा, तो मैं तब तक तो चाय वाय पीती नहीं थी। फिर कहाँ, मतलब तब तक तो दूध पे थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टर वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ सीन। वो एक दिन हुआ और अगले दिन भी मुझे लगा कि मुझे जाना है। हफ्ते में 3 दिन मेरी डांस क्लास होती थी, तो अल्टरनेट डेज पे जब मैं गई तो भी गई। और उस वक्त डायरेक्टर एक सीन इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और उन्होंने कुछ लोगों को बोला कि डू द इम्प्रोवाइजेशन एंड अगेन दिस वॉज द न्यू वर्ड फॉर मी, द इम्प्रोवाइजेशन। वो ऐसे सर से चला गया, क्या होता है इम्प्रोवाइजेशन, आई डोंट नो। तो एक जन आया, 2 जन आया, 3 जन आया एंड दे वर डूइंग समथिंग समथिंग एंड डायरेक्टर सीन मी एंड ही सेड कि यू कम है, कम है, कम फास्ट, इधर आओ। मैं कहा कंटिन्यू करो, इसमें आओ, इंटरवीन करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं कर दिया जो करना था, मुझे आज भी नहीं पता मैंने क्या किया। एंड दे ऑल लाइक्ड मी, दे सेड वाओ शी इज गुड। फिर उन्होंने प्रिपेयर करके मुझे बोला कैन यू डू दिस, आई सेड आई विल ट्राई, मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, किया। एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी एंड दैट डे दे असाइंड मी अ छोटू सा रोल फॉर दैट प्ले।
और वो प्ले होने वाला था श्रीराम सेंट्रल रेपेट्री के बेसमेंट में, एंड प्ले वॉज पोस्टर बाय डॉक्टर शंकर शेष. बहुत पॉपुलर प्ले हुआ था वो उनका, और मुझे ऐसे उसमें इंट्रोडक्शन मिला, स्टेज पे जाने का मौका मिला. और दैट वॉज मतलब समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. आई एम सेइंग द फैसिनेशन ओनली. अभी तक क्लैरिटी नहीं है मुझे कि क्या है थिएटर और वॉट आई एम डूइंग. बट इस बीच मेरे फादर ने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, तुमको डांस सीखने के लिए बोला, यहाँ तुम कहाँ जाने लगी, क्या हाँ करने लगी. बट द डायरेक्टर कन्विंस माई पेरेंट्स. No, no. I have a point. I have something to ask you. Since you were from a Rajput background, and I know कि कितना सिक्योरिटी के साथ एक वो फैमिली हो, वो होता है ना कि नहीं ये नहीं करना है, इस लाइन में नहीं जाना है. सॉरी. सो उसको देखते हुए कि अ स्ट्रिक्ट माहौल, जो एनवायरनमेंट जिसमें आप पैदा हुए हैं, तो आपके पापा मम्मी डेफिनेटली ने बिल्कुल अलाउ तो नहीं किया होगा पहली बार में. पापा मम्मी ने भी बिल्कुल अलाउ नहीं किया था, बट मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मेरे फादर सपोर्टिव थे, और हम लोगों की जॉइंट फैमिली होती थी. माय चाचा वाज वेरी मच अगेंस्ट कि ये क्या हो गया है, और क्योंकि अभी क्या था, सबकी ड्यूटी होती थी ना घर में, स्कूल भी छोड़ने जाना, स्कूल से लेके भी आना. तो आई वॉज नॉट अलाउड टू गो अलोन इवन दैट टाइम, कि ओह, कोई छोड़ के आ रहा है, लेके आ रहा है, ये ऑफ सब. कोर्स दैट टाइम वाज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट वन आई गेस. सो एवरीवन वाज अगेंस्ट, बट मेरे फादर काफ़ी सपोर्टिव रहे मेरे लिए, और और मेरी माँ भी मम्मा. फिर बाद में वो भी, हाँ ठीक है जैसा तुम कहो वाली बात थी. देन आफ्टरवर्ड्स वाह, माय मदर इज रियली सपोर्टिव. यू वर तो फिर लकी. डायरेक्टर, यस रियली आई एम लक्की, आई एम हैविंग सच पेरेंट्स, बहुत लक्की हूँ मैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो डायरेक्टर कन्विंस माय फादर कि नहीं, हाँ आपकी बच्ची बिल्कुल सेफ रहेगी, ये है वो है, हमारी जिम्मेदारी है, हम ख्याल रखेंगे. तो हाँ वो प्ले किया. अब उसके बाद उसके साथ इंस्ट्रक्शंस आए कि ये सब ठीक है, लेकिन टीवी या फिल्म इसकी तरफ बिल्कुल देखना भी नहीं, हाँ सोचना भी मत. अगर कोई आपको बोलेगा कोच, और कोई प्रपोजल लेके आता है, या इट वाज नॉट वर्ड प्रपोजल, बट कि आपको देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, दिमाग में लाना भी नहीं है. हो गया. बाय द टाइम माई मतलब 8th में आ गई, तब तक वो बहुत सारे शोज हो गए, फिर एक आध और प्ले कर लिया. फिर होते होते ऐसे मैं थिएटर में आ गई. देन उसके बाद एक सीरियल बन रहा था, बहुत पॉपुलर हुआ हम लोग, हम लोग, यस, वो तो कौन भूल उसकी सकता है. कास्टिंग हो रही थी. एंड दे केम टू मी, दे आस्क मी, और मैं तो बहुत डरी हुई थी. नहीं, मुझे ये सब नहीं करना. मुझे ये था कि मतलब मम्मी से घर से ही इतने वाला इंस्ट्रक्ट मतलब परमिशन मिल गया, दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. मैं नहीं, मुझे नहीं करना है. तो उन लोगों ने 2-3 बार बोला, फिर उन्होंने बोला हम आपके पेरेंट्स से मिल लेते हैं. मैंने बोला नहीं. फिर मुझे लगा अगर ये लोग मेरे पेरेंट्स से मिल लिए तो मुझे तो अभी ये करना भी बंद कर देंगे, तो नहीं हाँ जाना. मैंने हाँ मिलने ही नहीं दिया उनको कि नहीं. फिर सीरियसली. होते होते होता रहा, फिर एक दो डिफरेंट ग्रुप ट्राई टू अप्रोच मी. फिर मैं धीरे धीरे और प्ले करने लगी, और लोगों से इनवाइट करने लगी. बट वो मेरे पेरेंट्स का हमेशा रहता था, मेरे पापा कि बस अब नहीं, बस अब नहीं, ऐसे रहता था. फिर कई बार मुझे रोना धोना भी पड़ता था, प्लीज ये लास्ट है, प्लीज ये लास्ट वाला प्ले करने दो, इसके बाद नहीं लेकिन करूंगा. सरिता चौहान जी थी कि वो बोलती थी एक बार और कर लेते बस हैं. हाँ बस यही होता था, बस एक बार और, एक बार और, ये होता तो रहा. फिर एक बार और करते करते ये बताइए कि जाकिर सर से कहाँ मुलाकात हुई. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये लव स्टोरी को हम जानना चाहेंगे. आई मीन आई वांट टू नो, सीरियसली आई एम क्यूरियस टू नो. ये लव स्टोरी जैसी नहीं है, बहुत डिफरेंट स्टोरी है. अच्छा, ओके. आई वॉज इन ग्रेड 10 एंड जाकिर वॉज इन ग्रेड 12. तो वो 12वीं में थे और मैं 10वीं में थी. तो जाकिर ने भी 12वीं में थिएटर करना आना शुरू किया था, और वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव बैकग्राउंड से आ रहे थे. और मेरे साथ ये था कि कम से कम बहुत सपोर्ट थी हाँ पेरेंट्स की, चाहे थोड़ा सा नखरा करते थे वो, लेकिन वो मान जाते थे बाद में. तो बहुत फायदा उठाया आपने अपने मम्मी पापा का. सो हाँ एंड
जाकिर अपने एक फ्रेंड के साथ आते थे, उनका थिएटर था एंड जाकिर वाज डूइंग प्ले विद देम। तो हाँ उनको एक फीमेल एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, तो दे अप्रोच मी, आई सेड ओके फाइन। सो मैं मिली उनके ग्रुप को और प्ले किया हुआ। बट एक होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप बोलें कि एक अट्रैक्शन सा हुआ, लॉ ऑफ और अट्रैक्शन। तो एक ओके होता ना कि आप इतने 10 लोग हैं लेकिन आप एक पर्टिकुलर किसी एक की तरफ थोड़ा ज्यादा देख लेते हैं, या उससे आप ज्यादा बात करते हैं, लेकिन क्या आपको थोड़ा सा। पता था कि आप क्या करने जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। वो थिएटर किया, प्ले किया, अच्छा हुआ, उनसे बातचीत हुई, सबसे मतलब नॉर्मली खत्म हो गया। अब मेरा 10th भी हो गया, 11th में आ गई मैं। अब जाकिर से दोबारा जो कनेक्शन हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जाकिर जो थे, जाकिर का वो जो ग्रुप था, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रिहर्सल किया करता था। एनएसडी में एक तुलसी सदन लाइब्रेरी हुआ करती थी, अभी तो सब कुछ बंद हो गया है वहाँ। एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आई मीन मेरे दिमाग में सब बैठ चुका है। अगर सपने में भी बोली तो मुझे रेपिटरी के सपने आते हैं एनएसडी यार, क्योंकि इतने लोग सब, यू नो, हैव बीन टू माय शो, बिग बिग पीपल, यू नो, एक्स चेयरमैन मिस्टर राम गोपाल जी, इवन प्रतिमा मैम, यू नो, आई मीन सब, तो आनंद देसाई जी, ये सब, यू नो, एनएसडी एनएसडी सुन के तो आई एम जस्ट लाइक वाओ। अब लॉकडाउन के सो बाद पहले वो मैं एनएसडी जाऊंगी। जरूर जाना, जरूर जाना। तो वहाँ वो रिहर्सल करते थे और वहाँ से वो कभी निकले नहीं थे बाहर, क्योंकि उनको भी घर से रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत मुश्किल से शायद करते थे। लेकिन मुझे इससे कुछ अच्छा लेना देना नहीं। लेकिन ये होता है कि हाउ यू आर मीटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन अगेन। अब हुआ ये कि मैं एक प्ले कर रही थी, उसमें मेरे दोस्त थे। तब श्रीराम सेंटर में एक एक्टिंग कोर्स चला करता था, शायद अभी भी चलता है। तो उसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त, उसमें 10th के बाद कोर्स कर सकते थे, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स उसमें एक्टिंग कोर्स कर रहे थे। अब वहाँ ये डिसाइड हुआ कि हम एक प्ले करते हैं, एक प्ले करते हैं। अब वो प्ले डिसाइड हुआ, प्ले बहुत अच्छा था, हिंदी था, और इस पर था कि एम्प्लॉयमेंट पे था और सिस्टम पर, ये सब था, सटायर था, और मॉरिशस के राइटर थे। अब वो प्ले हुआ, शुरू हुआ, फिर बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम हो गई। आई वॉज एन एक्टर फॉर देम ओनली, और उसके अलावा मेरा कुछ उसमें योगदान नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन रिहर्सल होते होते कुछ ऐसा हुआ कि वो प्ले रुक गया। रुक गया मतलब कि जो डायरेक्टर था या जो फाइनेंसर्स थे वो बैकआउट कर गए, और प्ले ये था। अब ले दे के 8-10 लोग रह गए और बाकी सब चले गए। अब उसमें ये कि नहीं, हम प्ले तो करेंगे, अंदर से आता ना कि ये प्ले तो हम करके दिखाएंगे, करेंगे करेंगे। हाँ करेंगे, चैलेंज है। अब ये हुआ कि फाइनेंस कहाँ से आएगा एंड हु विल बी द डायरेक्टर। तो फाइनेंस तो तय ये हुआ कि हम सब लोग 500-500 रुपये इकट्ठे करके कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम सब ने 500-500 रुपये इकट्ठे किए और ऑडिटोरियम बुक करा लिया। अब डायरेक्टर कौन होगा? तो इट वॉज वॉट दे ऑल सेड इन वन सिंगल वॉइस, सरिता विल बी द डायरेक्टर। आई सेड वॉट डायरेक्टर, वो क्या होता है? आई कैन डू, मैं नहीं कर सकती। एंड आई वॉज द यंगेस्ट वन, यंगेस्ट वन, और बाकी सब लोग बड़े बड़े थे, मैं सबसे छोटी। या तो सब लोग कॉलेज में थे, या कॉलेज पास आउट थे, या बहुत सीनियर लोग थे जो कि ऑलरेडी मतलब इनको थिएटर में 10 साल हो गए, वेरी सीनियर पीपल। वेरी सीनियर। बट हाँ तो आई यूज टू कॉल देम एवरीवन भाई साहब, और बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। अंकल हाँ कहने का तो रिवाज नहीं था, और सर भी नहीं बोलते थे। इट वॉज वेरी वन टू वन वाला था, तो भाई साहब बुलाया करती थी सबको, तो क्योंकि सब बड़े थे किसी ने तो बहन जी नहीं एवरीवन। बोला आपको? मैं सबके लिए बहुत छोटी थी ना, बहुत छोटी थी सबके लिए। फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ तो मैं डायरेक्टर बन गई। अब डायरेक्टर बन गई तो अब मुझे उसमें कास्ट मेरे हिसाब से चाहिए। वो डायरेक्टर कहीं से, वो होता है ना कि आपको यूनिवर्स हेल्प करता है जितना भी है, जी हाँ, जब तो आपको वो चाहे तो पूरी शिद्दत से, जब
चाहते हैं कुछ तो क्या बोलते हैं, कायनात भी पूरी आपको, कायनात। कायनात भी हाँ आपके कदमों में मिल जाती है। हाँ जी हाँ तो सुपर। अब मुझे मेरे हिसाब से कास्टिंग चाहिए थी, एंड उसमें एक पर्टिकुलर लुक का एक कैरेक्टर था, एंड व्हाट वाज आई हैव सीन इन जाकिर दैट टाइम इज लुक, हिज आइज। सो दैट वाज द फैसिनेशन, दैट वाज द डिफरेंट, दैट वाज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू। सो दिस वाज हैपेंड एब्सोल्युटली आफ्टर 2 इयर्स, ऑलमोस्ट वन एंड अ हाफ ईयर। आई रिमेम्बर, ओ इस तरह का एक है उसमें लड़का, आई टॉक टू हिम। फिर मैंने जाकिर को ढूंढा, जाके उस ग्रुप में बोला कि अरे क्या तुम मेरे साथ नाटक करोगे, मैं ऐसे ऐसे प्ले कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। ही सेड क्या, हाँ हाँ मैं करूँगा। ही सेड हाँ मैं करूँगा। और वहाँ से मेरी मुलाकात जाकिर से शुरुआत हो गई। फिर हम लोग काम करते रहे करते रहे, फिर एक्टिंग कोर्स, श्रीराम एक्टिंग कोर्स, फिर श्रीराम रेपेट्री, फिर उसके बाद जाकिर NSD, फिर मैं रेपेट्री, फिर मैं यहाँ, फिर दूसरे रेपेट्री। तो ये सब होता रहा। मीन द टाइम जाकिर का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था NSD रेपेट्री में, NSD स्कूल में। तो मैं लेकिन स्कूल नहीं किया था, बट आई वॉज वर्किंग विद टाई और ये सब थिएटर इन एजुकेशन में और रेपेट्री में। जी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, बहुत ही अच्छे दोस्त। उसमें अभी तक कुछ आई लव यू नहीं था, कुछ लव यू टू नहीं था, बट हम लोग हमेशा साथ रहते तो थे। कब आया वो? बहुत देर में आया वो। वी और उसकी वर लाइक एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस, पता नहीं क्या बोलूँ। इट वॉज 91 और 90 91 का एक एजुकेशन टूर गया बाहर, तो उस वक्त कीर्ति जैन डायरेक्टर हुआ करती थी। तो आई सेड कि फोन तो होता नहीं था तब, बट तो हम लोग लेटर्स ना ऐसे भेजते थे, पोस्ट से भेजा। उड़ीसा कहीं बालासोर इनका वो टूर गया था, तो इनके बैच के सारे लोग मेरे दोस्त हैं, मैं सबकी दोस्त हूँ ऑलमोस्ट। तो फिर वो ऐसे शुरुआत, पता लगा हम लोग शायद मिस करते हैं एक दूसरे को मिलना, या अगर हम रोज़ ना मिलें या रोज़ बातें ना करें। फिर धीरे 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 पता नहीं कब ऐसा हुआ कि शायद हमें शादी करनी चाहिए, हम लोग तो शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो आई लव यू नहीं हुआ था वो। हमारे अलावा जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे या जितने भी रिलेटिव थे, इवन जितने भी मंडिया हाउस में हमारे वेल विशर आज भी हैं, दे ऑल वर अवेयर कि शायद हम लोग शादी करेंगे, एंड दे आर वेरी गुड कपल। तो अगर मैं अकेली हूँ तो जाकिर को कोई ढूंढ के ले आता था, अगर जाकिर अकेला है तो मुझे आके बोल दो अरे जाकिर इज देयर, इवन आर टीचर्स, इवन आर फ्रेंड्स। तो वी वर पेरेंट्स का क्या हुआ? आई मीन व्हाट द पेरेंट्स प्लेड योर पेरेंट्स? सी, हम लोग एक दूसरे के घर में तो पहले से आना जाना करते थे, और क्योंकि खास दोस्त बन गए थे, स्पेशल फ्रेंड हो गए थे, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं यहाँ तो जब बेस्ट फ्रेंड है तो आप एक दूसरे के घर में जाते हैं। तो जाकिर तो ऑलमोस्ट मेरे घर में होते थे, मैं जाकिर के घर में भी जाती थी, उनके घर में शादी वादी हुई उनकी सिस्टर की, तो उनके घर में रही भी जाके, जो भी सब होता है काम वाम करना। तो वही मैं कह रही हूँ, हमारे अलावा शायद सब अवेयर थे कि हमारी शादी होगी, सिर्फ मुझे और जाकिर को ही नहीं पता था कि और जाकिर का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी होगी, क्योंकि ओके, वो शादी वाला कॉन्सेप्ट था दी नहीं अदर कि वे एक। राउंड, लेट्स टेक इट दी अदर वे राउंड। यस, सो एक सर्टेन टाइम तक आई वाज नॉट हैविंग दैट कॉन्सेप्ट कि शादी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे वो नहीं लगता था कि आई एम अ गर्ल, ऐसे नहीं लगता था। और ये बड़ा एक किंवदंती सी थी, जो आज बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत सीनियर हैं स्कूल के मेरे साथ, क्योंकि मेरा थिएटर ग्रुप बन गया था और मेरे साथ लड़के ही ज़्यादा होते थे, कम से कम एक टाइम में 15 से 20 लड़के साथ में होते थे। और दे यूज टू जस्ट कॉल मी ऑन डिफरेंट डिफरेंट नेम, ये जितने भी हैं उनका मैं नाम नहीं लूंगी, दे आर वेरी बिग स्टार नाउ डे, नहीं जो नहीं ये तो देखो ना बाद में मतलब। मुझे जरूर बताइए, आई वुड लव टू नो। कि ये तो हमेशा मतलब लड़कों से घिरी रहती है, झांसी की रानी है और ये है और वो है। तो जेलस धीरे धीरे दे जेलस वर दे वर दे वर दे ओ जेलस वर दे सर वर वाज जेलस, वाज सर जेलस?
सर वॉज वेरी डिफरेंट नेचर. वो थोड़े से ना वो थे, क्या बोलो, इंट्रोवर्ड. ही वॉज वेरी अच्छा इंट्रोवर्ड और धीरे 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 इज कमिंग आउट. तो बहुत इंट्रोवर्ड थे. ही वॉज नॉट आउटस्पोकन जैसे हम बोलते हैं, लेकिन क्योंकि सब लोग सीनियर थे और मैं बहुत पहले से काम कर रही थी जाकिर के आफ्टर वर्ड्स, हाँ तो जितने तो भी सीनियर लोग थे कभी भी वो कोई जाकिर को जाके कुछ भी बोल रहा है, ध्यान रखना लड़की का, ऐसे वाला भी होता था. ओए होता ना, ध्यान रखना हमारी बहन का, ऐसे वाला था. सो इस तरह का भी होता था. सो वी मैट दैट वे. और फिर 93 में 92 में वी डिसाइडेड ओके हम लोग शादी करेंगे. फिर हुआ और वो टाइम बहुत खतरनाक था हिंदू मुस्लिम मैरिज का, हाँ, बट मैंने हमारे सब इसीलिए वो सवाल पूछा कि मैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहती थी कि हाउ डिड इट रियली कम अप सो वेल, मतलब कैसे मैनेज हुआ ये? सो एक्चुअली हमारे पेरेंट्स बोथ साइड पेरेंट्स वर वेरी गुड. और हम लोगों से गलती हुई कि हम लोगों ने सोचा कि हम पेरेंट्स को बताएंगे तो शायद ये शादी नहीं होने देंगे. अच्छा लेकिन उसके अलावा जो हमारे दोस्त थे, आई वॉज एसोसिएट एंड स्टिल आई एम एसोसिएट विद जन्ना टेमंच. तो उसमें एक फ्रेंड होता था हमारा, वो एडवोकेट था 30,000 में. फिर इधर कुछ लोग होते थे, सब थे. फिर एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं शमशुल इस्लाम, तो वाओ थिएटर पर्सन है. ही सेड कि अरे तुम्हारी शादी हम कराएंगे और ये करेंगे. मतलब एवरीवन वाज, मतलब ऐसे था कि बस इनकी शादी करानी है. और हम लोगों को लगता था यार ये लोग क्यों हमारी शादी कराना चाहते हैं अभी से, हाँ क्यों जल्दी करना चाहते हैं. बट बाय द हाँ टाइम फिर जाकिर का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, फिर जाकिर को भी ये था कि नहीं अब तो शादी करनी है. तो फिर हॉस्टल में थे क्योंकि हॉस्टल से घर जाएंगे फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगे, तो बेटर है कि हम शादी कर लें. तो फिर हमको हमारे दोस्तों ने, और पर्टिकुलर वो एक रियाज करके हैं, वो एडवोकेट हैं, और ही सेड कि वो उन्होंने हाँ कि हाँ ये करते हैं और एप्लीकेशन देते हैं. वो 1 महीने पहले का जो प्रोसीजर होता है वो सब होता है. बट दे हैव डन एवरीथिंग. मेरी शादी में मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया. हम लोगों ने ऑल आवर फ्रेंड्स स्पेंट, सब कुछ दोस्तों वाह, ने किया. आप उन दोस्तों के और टच में आज भी हैं? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ, बिल्कुल वाह, हूँ. दे आर अवर फैमिली, दे आर अवर फैमिली. ऑल ऑल मीन्स ऑल. एंड यस ऑफ रियली वी कोर्स, आर वी हैव डन ग्रेटफुल. सो मच, सो डेफिनेटली दे हैव टू बी. फिर शादी हो गई घर में. फिर हमने शादी करके सिविल मैरिज की, और सिविल मैरिज अच्छा करके रिसेप्शन किया सबने. एंड दे अरेंज एवरीथिंग. और उसके बाद हम लोग पहले मेरी मम्मी के घर गए, मतलब मम्मी पापा के घर मैं गई कि भाई हमने शादी कर लिया. एंड वॉज रियली फिल्मी थिंग. जाकिर वॉज हैविंग द बाइक. बाबा अगर कुछ होगा ना भाग जाएंगे हम लोग. सो मम्मी वॉज सिटिंग और माई सिस्टर वॉज देयर. सो आई सेड कि वेयर इज पापा. तो क्यों क्या उनको लग रहा था कुछ बदला बदला सा लग रहा है. आई वॉज लाइक दैट ओनली, जैसे हम आते हैं वैसे शादी करने चले गए थे. तो हाँ बट दे वर लिटिल अपसेट कि अगर हमसे पहले बोल देते तो शायद हम अपने तरीके से ढंग से कर देते तुम्हारी शादी. बट आई हैड ऑल थ्री मैरिजेस आफ्टरवर्ड्स. आई हैव ऑल रिचुअल्स पूरा हुआ. और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ मेरी 3 शादियाँ हुई हैं. सो दैट्स वाओ हाउ. ओके एंड आई वुड लाइक टू नो कि एज जाकिर सर कीप्स बिजी विद द स्केड्यूल ऑफ शूटिंग्स, तो आई नो यू हैव अ 25 years ओल्ड सन हु इज रियली हैंडसम, तो व्हाट इज ही अप टू? इज ही ऑल्सो कमिंग इन दिस एक्टिंग लाइन और इज ऑलरेडी डाइव्ड इन? ही इज इन दिस लाइन बट ही इज इन फिल्म मेकिंग बट नॉट इन एक्टिंग. दो ओके हिज फर्स्ट पैशन वॉज एक्टिंग बट लेटर ऑन ही डिसाइडेड कि नहीं मुझे एक्टिंग नहीं. देन ही सेड कि आई लाइक बिहाइंड द कैमरा नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ऐसे फर्स्ट ही सेड कि मुझे एक एक्टर बनना है. तो आई वॉज रियली वेरी अगेंस्ट सीरियसली, कि बहुत स्ट्रगल होता है एक्टिंग लाइन में एक्टर्स के लिए. और दैट आई हैव सीन माई हजबेंड एंड माई सेल्फ. तो जाकिर वॉज टेलिंग मी कि वाई यू आर डूइंग दिस, वाई यू आर अंडर एस्टिमेटिंग मी, एम आई नॉट डूइंग गुड, तुम क्यों मना कर रही हो उसको. सो माई सन वॉज क्राइंग सेड कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर. और बिकॉज आई एम अ ड्रामा टीचर टू, सो ही वॉज इन सेम स्कूल वेयर आई एम टीचिंग. सो उसको हमेशा ये रहता था कि मुझे हमेशा नरेटर का रोल क्यों दे देती है अम्मा. और मैं तो दैट वॉज आई वॉज रियली अनफेयर विद हिम.
सो देन आई सेड कि वो हुआ कि ओके चलो तुम जो भी बनना चाहते हो आई विल बी विद यू. देन आफ्टरवर्ड्स ही सेड कि नहीं आई लव टू बी बिहाइंड द कैमरा, आई लाइक टू से एक्शन रादर और द एक्शन. आई सेड ओके सो डू दैट. तो जब फिर उसके माँ ने बाद इतना एक्शन किया हुआ अपनी लाइफ में तो बेटा तो करेगा ना थोड़ा बहुत एक्शन. इट्स इन ब्लड, इट्स इन इट्स इन जीन. ब्लड, इट्स इन जीन्स, राइट मैम. 2016 में यू हैव डायरेक्टेड अ वेरी फेमस प्ले एंड दैट इज एक था छेखम. चेखा चेखा चेखा. सो इट्स अ रशियन बेस्ड ऑन अ रशियन प्ले राइटर, राइट? सो यस इट यस. तो व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस टॉपिक? दिस टॉपिक बिकॉज रशियन प्ले, दिस प्ले चेखव, चेखव इज अ वर्सटाइल एक्टर राइटर. और राइटर उनकी राइटर उनकी कहानियां जो है ना वो आप 200 साल पुरानी नहीं लगेंगी, आज भी लगेगा अभी इसी अभी वक्त की भी कहानी है. या तो लाइक आवर मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी जी कहानियां आज भी रेलेवेंट है. बिल्कुल तो ऐसे बहुत सारे लेखक हैं और जो हमें इतना बड़ा धन दे गए हैं कि उनकी कहानियाँ आज भी हमें जीवंत लगती हैं, रेलेवेंट लगती हैं. तो ये टाइम था कि और ये जो कहानियाँ हैं ये हमने सेलेक्ट की जिसमें कि सारे फ्लेवर्स हैं, इसमें मैसेज है, इसमें सटायर है, इसमें मॉरल है. तो ये अपने आप में एक बंच ऑफ स्टोरीज बोलते हैं ना, एक खूबसूरत चीज़ों का एक बंच निकल के आता है वो है. दो आई डायरेक्टर क्वाइट अ गुड प्ले और अच्छे प्लेज हुए, फिर ये सेलेक्ट किया. एंड जाकिर इज ऑलवेज ऑलमोस्ट प्लेज में जाकिर होते हैं जब उनके पास कुछ प्लेज में टाइम होता है. तो ये प्ले सेलेक्ट किया. आई हैव डन अंधा युग ऑल्सो, आई हैव डन जर्द मौसम जर्द मौसम. तो वी गॉट इन 2018 महाराष्ट्र अवार्ड ऑल्सो. हमने महाराष्ट्र का इसको आपने एक लिखा भी है. इसको मैंने लिखा भी है और ज्यादातर प्ले अभी जो हैं वो मेरे ही लिखे हुए आपको करते प्रेरणा हैं. कहाँ से मिलती है लिखने की? प्रेरणा तो देखो हमारे आसपास ही होता है, कहीं और से आपको प्रेरणा नहीं मिलती है. प्रेरणा लिखने का क्या है, जो क्रिएटिव राइटिंग है सब कुछ फिक्शन नहीं होता है. फिक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द रियलिटी, ऑन द ट्रुथ. यस अब उसको आप जब थोड़ा सा उसमें पेन डाउन करते फ्लेवर हैं दें, तो पिन हाँ डाउन करते हैं टू क्रिएट सम ड्रामा कि आपको ऑडियंस सुने या सुने पढ़े या या देखे. देखे, तो यू हैव टू पुट सम एलिमेंट्स जो कि थोड़े नॉर्मल लाइफ से हटके थोड़े से ज़्यादा होते हैं. कि अगर मैं धीरे से बोल रही हूँ अभी आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो अगर मैं लिखूंगी तो उसको थोड़ा सा एग्जरेट कर लूंगी. तो प्रेरणा तो बिल्कुल हमारे आसपास ही मिलती है. जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने काफ़ी प्लेस लिखे और कहानियाँ भी लिखी और वो सब हमारे आसपास ही होता है. उसमें सिर्फ ये नहीं है कि पुअर वुमेन, क्यों मैं, वाई मी, वाई ओनली मी, इट इज़ नॉट, सब कुछ है. और आज की जो औरत है, इवन मेरे जैसे जो मेरे एज ग्रुप में आती हैं, वो भी अब बेचारी या अबला नहीं है. अभी नो कोई अबला नहीं है. बिल्कुल बात सिर्फ ये है कि आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, आपसे कोई कुछ अलग से नहीं करवा सकता. अगर मेरे फादर ने उस वक्त मुझे बोला कि नहीं तुम ये नहीं करोगी, तो अगर मुझे पसंद होता तो मैं शायद घर में रुक जाती, मैं नहीं करती ड्रामा या थिएटर नहीं ज्वाइन करती, क्योंकि मुझे उनका ना पसंद नहीं था. इट इज अंडरनीथ ना, आप सोचिए जरा साइकोलॉजी. तो आज अगर कोई भी लड़की या कोई भी पत्नी को ये होता है कि अरे मेरे पति ने मना किया, तो इट इज नॉट पति ने मना किया या फादर ने मना किया, आपने एक्सेप्ट क्यों किया. तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास ही मिलते हैं. जैसे मैंने बोला मैं थोड़ी सी रिबेलियन हूँ, बहुत ज्यादा नहीं हूँ. मतलब मुझे क्यों चाहिए होता है, हमेशा क्यों का जवाब चाहिए होता नो है. दैट क्यू मीन्स यू नीड अ लॉजिक. वो जो क्यू यस है वो इट इज, आपके लिए एक लॉजिक है. इट इज, इट इज इट्स जस्ट अ लॉजिक सिंपल ये. लॉजिक. तो ये जो होता है कि अरे लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है, लड़कियों से रखनी है, तो मुझे आज तक वो लॉजिक समझ में नहीं आया, अभी तक नहीं आया कि क्यों नहीं करनी.
व्हाट इज द तो डिफरेंस? क्या आप अपने बच्चों को भी ये बताते हैं कि नो दिस इज नॉट कम्प्लीटली ओके, आई मीन यू बिल्कुल कैन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी अभी 10 साल की, हाँ उसको डू एंड डोंट्स तो बताते ही हैं हम, लेकिन मेरा बेटा जैसे कि अभी 25 का हुआ है, तो मुझे उसके गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी नहीं हुई। इवन उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड तो उसकी मदर ने मुझे बोला व्हेन ही वाज इन स्कूल ओनली, सो आई स्वीट, वाज ओके। सरप्राइज एंड आई सेड कि ओ हमजा। तो हमजा घर पहुंचता था इससे पहले उसके फोन आया, दैट वाज टाइम। कभी भी जब हुआ, हुएवर इज हिज गर्लफ्रेंड, तो आई एम ऑलवेज फ्रेंड विद हर, ऑलवेज ऑलवेज, एंड दे ऑल आर कंफर्टेबल विद मी, क्योंकि दे आर फ्रेंड्स। अभी दे नो कि व्हेन दे हैव टू कमिटेड टू ईच अदर, राइट एंड रॉन्ग, तो एवरी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देयर चिल्ड्रन कि क्या सही है क्या गलत है। आपको रिस्पेक्ट करनी है दूसरी लड़की की या लड़के की, आपको इम्पोज नहीं होना है, अपने रिलेशनशिप को ख्याल करके चलना है, ये सारी टीचिंग्स तो देनी ही पड़ती हैं। लेकिन मेरे मेरे पेरेंट्स से मुझे ये सपोर्ट मिल गया कि अच्छा जो तुम कर रही हो ऐसा नहीं करना कि हमको ये कहना पड़े कि ये क्या किया तुमने। तो उस बात का ख्याल मैंने हमेशा रखा कि झूठ नहीं बोला, जैसे कि अगर मेरा फ्रेंड है, अगर मैं जाकिर के साथ जाके बंगाली मार्केट में चाय पी रही हूँ और मैं लेट हो गई हूँ, तो बोला कि आप क्यों 8:30 के बाद आई हैं, टाइम था घर में, 8:30 के बाद नहीं जा आप रुक सकते हैं, तो मैं बोलती थी नहीं आज मैं जाकिर के साथ बैठी थी, या मेरे जो दूसरे दोस्त भी होते आप थे, सच बोल तो देते थे? आज भी सच बोल देती हूँ मैं, आज भी सच बोल देती हूँ। वाह, ये एक अलग क्वालिटी है। वेल, तो क्योंकि उसमें मुझे सॉरी, जी जी बोलिए मैम। नहीं बोलिए मैम। तो मुझे ये नहीं लगा कि आई हैव टू हाइड समथिंग, क्योंकि मैं आई डोंट नॉट वॉन्ट टू हाइड, और मुझे कॉन्सेप्ट आया भी नहीं हाइड करने का, अभी तक नहीं है कि झूठ क्यों बोलना। इवन मतलब इतना है कि मेरा बेटा अभी पार्टी में जाता है या फ्रेंड्स के साथ जाता है, आई कैन आस्क हिम, आई कैन टेल हिम, बेटा डोंट ड्रिंक डोंट स्मोक, आई से डायरेक्टली। ही वॉज स्टडिंग इन प्राग, सो वन डे ही वॉज पार्टिंग, आई सेड ओके। ये शुरू शुरू में होता है, बच्चों को लगता है कि अरे माँ बाप से छुपाना, अब कौन से वाले माँ बाप से छुपाएगा, मेरे जैसे माँ बाप से तो नहीं छुपा सकता ना। तो आई आस्क देम, आई कैन आस्क हिम डायरेक्टली ना, क्या पी रहे हो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स कि वैन यू अपने बच्चों को आप कंफर्ट कर देते हो, कंफर्टेबल कर देते हो सो और दैट्स उनको ट्रस्ट हाउ देते हो। यू मैनेज वेरी वेल द होम एंड एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। व्हेन सर इज ऑल्सो ऑन शूट, आई वुड लाइक टू ऑल्सो नो दैट यू आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ थिएटर सर्कल ग्रुप विच वॉज इन 2014। द फाउंडेशन वॉज लेड इन 2014। सो कुड यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दिस ग्रुप एंड वॉट आर द हाईलाइट्स? सी ग्रुप इज 2000, जब हम लोग मुंबई आए, मैं 98 में मुंबई आई, जाकिर वॉज 1 ईयर बिफोर मी, और मैं 98 के एंड में मतलब दिसंबर में आई थी ऑलमोस्ट। तो आके मैं प्रतिमा दी के घर पर ही रही थी 1 हफ्ता, क्योंकि जाकिर वॉज विद समवन एल्स, एक दूसरा पार्टनर था उनका, तो एक रूम शेयर करके रहते थे। तो 1 हफ्ता मैं प्रतिमा दी के साथ रही थी और मेरा बेटा छोटा था उस वक्त। उसके बाद फिर क्योंकि अब थिएटर के लोग हैं, थिएटर ही कर रहे हैं, तो जो मुंबई के अच्छे रेनाउंड ग्रुप्स हैं उनमें हमने काम किया, अच्छे रोल्स किए, पर थिएटर है अच्छा लगा, क्योंकि थिएटर सब कुछ छूट जाएगा लेकिन थिएटर नहीं छूटता है, वो कहीं तो ब्लड में आ गया है, वो तो है। इट्स हाँ लाइक। तो उसके बाद बिकॉज आई वॉज हैविंग ग्रुप इन दिल्ली ऑल्सो, दैट वॉज द रजिस्टर्ड ग्रुप। तो अब मुंबई आकर फिर करते रहे प्ले, फिर 2002 में आई जस्ट लिटिल बिट स्विच ओवर माई प्रोफेशन, नॉट स्विच ओवर इवन, थोड़ा सा एक एक फिट इस तरफ आ गए, आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग ड्रामा इन अ स्कूल। तो उसके बाद फिर थिएटर एक्टिविटी मेरी थोड़ी सी रुक गई, लेकिन इट वाज अ जॉब सेटिस्फेक्शन बिकॉज आई एम टीचिंग ड्रामा ओनली एंड आई एम सो डूइंग ड्रामा। प्रियास थिएटर, प्रियास इट वाज इन दिल्ली, प्रियास थिएटर ग्रुप वाज इन दिल्ली विच यू यू फाउंड इट? ओके ओके आई वॉज देयर एज फाउंडर मेंबर बिकॉज आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, द अदर आर हैविंग दैट होल्डिंग दैट थिंग, द ओके चेयरपर्सन एंड ऑल। सो यू आर स्टिल फाउंडर मेंबर ओवर देयर? यस, ओके एंड देयर। वाओ, सो उसके बाद थिएटर करते रहे, फिर 2012 में वेरी रेनाउंड राइटर, शी वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम, और उनका एक प्ले था
तो उन्होंने बोला कि सरिता कैन यू डायरेक्ट दिस प्ले फॉर मी, एंड बहुत चैलेंजिंग प्ले था, इट वाज ऑन वुमेन ओनली, वुमेन एम्पावरमेंट पर था। फिर मैंने वो प्ले किया और वो प्ले काफ़ी सक्सेस हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ, उसके काफ़ी शोज हुए। फिर जो क्योंकि उसमें मेरे फ्रेंड्स थे सारे, बहुत सीनियर फ्रेंड्स फिर से आए थे, ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला कि यार 25 साल हो गए, 30 साल हो गए एनएसडी के हुए, थिएटर ही नहीं किया मैंने अभी तक। सो आई अरेंज देम कि जो करना चाहते थे वो सब थे। फिर 2014 में हमने कहा अच्छा एक नया प्ले करते हैं, तो जो पहला प्ले था इट वॉज द स्वीट एंड सार, तो दैट स्वीट एंड सार वॉज द स्टोरी फॉर वॉज द प्लॉट फॉर मूवी। ये सुजीत राय बहुत बड़े जी एक्टर हाँ हुए थे जी हाँ जी जिन्होंने हाँ अर्थ और हमें राई प्यार की सुजीत सारी राय जी फिल्में लिखी। हाँ, तो उनकी फिल्म थी, उनका प्लॉट था, ये उनकी स्टोरी थी जिसका हमने नाम रखा था स्वीट एंड सार, बट ओरिजिनल नेम वॉज द नेबर। तो जाकिर ने मुझे बोला कि सरिता ये एक प्लॉट है, एक स्टोरी है, कैन यू ड्रामाटाइज दिस और ये प्ले करते हैं। तो आई थॉट कि यस कर लेते हैं, तो उसको मैंने फिर ड्रामाटाइज किया। और उसी वक्त से हमने सोचा कि पहले हम अपना थिएटर बैनर फॉर्म करते हैं, तो हमने अपना बैनर फॉर्म किया। तो उसमें एक प्रोसेस लगता है, एक साल लगता है, हाँ बट वी हैव डन प्ले बिफोर। तो जाकिर वॉज देयर एंड 5 लोगों की कास्ट है, तो उस प्ले का हमने नाम रखा सॉल्ट एंड पेपर। फिर पता लगा ऑलरेडी सॉल्ट एंड पेपर से रजिस्टर्ड है एक वो प्ले। फिर हमने इसका नाम रखा माई कॉपीराइट सन, इश्यूज यस, तो माई सन गेव द नेम द स्वीट एंड सार। वाओ दैट्स अ नाइस थिंग तो इट इज़ ऑन रिलेशनशिप। तो वो प्ले हमने पहला प्ले किया, जो कि वो प्ले ऐसा था कि जब पहला शो किया हमने, फर्स्ट चंक में हमने 4 शोज किए उसके, एंड यू वॉन्ट बिलीव माधवी, जी ऑडियंस में से 70% ऑडियंस ऐसे थे कि जो रुकते थे सिर्फ बात करने के लिए कि दिस इज क्लोज टू माई लाइफ, दिस इज क्लोज टू माई लाइफ, सर दिस इज मेरे क्लोज को टू माई देखना लाइफ। पड़ेगा वो शो. आई एम सॉरी मैंने नहीं देखा है, बट आई एम कन्फेसिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू दैट आई विल वॉच आफ्टर दिस इंटरव्यू फॉर श्योर. प्लीज व्हेन एवर इज देयर आई विल इट्स ऑन डेफिनेटली कॉल यू। यूट्यूब नो इट इज नॉट ऑन यूट्यूब, माई एनी प्ले इज नॉट ऑन यूट्यूब, सो विल हैव टू वॉच इट वेयर लाइक लाइव एंड आई विल परफॉर्म ऑन स्टेज। ओह सो उसकी कोई रिकॉर्डिंग या जो मैं देख सकती हूँ कुछ. आई विल यू शेयर विद यू, शुड आई विल। प्लीज शेयर इट विद मी सो डेफिनेटली. थैंक यू उसमें मैम. बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी थे जो हमारे दोस्त थे, तो उनको बुलाया कास्टिंग के लिए किया, तो दे रेड एंड दे सेड कि तो यार कास्टिंग भी प्लीज आप ही इन दे करते थे तब. आई एम डूइंग एवरीथिंग। जाकिर का इंटरफेरेंस मेरे उसमें कभी भी नहीं बिकॉज ही होता वाज है। बी बिजी जाकिर विद अदर शूट्स. नो नो नो, दिस इज ओनली माय, इट इज माय बेबी, माय थिएटर ग्रुप इज माय बेबी हाँ बेसिकली। सो जाकिर ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया और आई विल नॉट अलाउ हिम इवन, मैं कभी उनको अलाउ भी नहीं करूँ कि वो इंटरफेयर करें। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम बट नो इंटरफेरेंस। आई एम वेरी ब्लंट एंड वेरी लाउड ऑन दैट नोट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सो है. सर विल बी लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू लेटर नो, ऑन. ही इज लिसनिंग एंड ही इज वेरी ही इज सपोर्टिव, ही लिसनिंग. इज सब, तब तो गए काम से. सब ही तो इज गए वेरी काम से. सपोर्टिव, वेरी आई नो सपोर्टिव ही इज एंड वेरी सपोर्टिव एंड ही इज आई मीन वही मैं बोल रही थी कि यहाँ पे मैं क्या पूछूं यार कि हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है या हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है या दोनों का हाथ एक दूसरे के पीछे. बिल्कुल। और ये ना माधवी यही है कि किसी भी कामयाबी के पीछे एक दूसरे का हाथ होता है, किसी एक का हाथ नहीं होता है। मेरी कामयाबी के हाँ पीछे जाकिर का भी सपोर्ट है, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। देयर आई वाज अ टाइम रिस्पेक्ट. कि मेरी ना स्टडी रुक गई थी, मैंने 10th के बाद ड्रॉप कर लिया था। क्यों? समहाउ कुछ ऐसा हुआ था और आई ज्वाइन द ओके रेपिट्री। ओके ओके तो इंटरेस्ट फोकस शिफ्ट हो गया यस, सो दैट माय दैट फेलो दैट पर्सन टोल्ड मी, गाइड मी, यू शुड स्टार्ट योर स्टडी अगेन। ही वॉज विद मी टू फॉर द एडमिशन स्कूल, के जाके स्कूल का एडमिशन करो। ही हैज डन ऑल दी प्रोसीजर। तो मैं आज भी उसको बहुत थैंक यू बोलती हूँ एवरी डे एट माई प्रेयर, कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं डिसकंटिन्यू कर देती अपनी स्टडीज वहीं पर, मैं नहीं करती। तो एंजल्स आते हैं ना कई बार माधवी,
आपकी लाइफ एब्सोल्युटली में? एंजल्स से ज्यादा आई बिलीव कि आपकी खुद की इंट्यूशन होती है जो यू नो इट्स अ कनेक्ट यू नो जो आपके एनर्जीज ऐसे कनेक्ट करते हैं, जैसे आप जो जिसको सोचते हैं जिसके बारे में वो खुद ही कनेक्ट करता है, एंड दे कम टू करेक्ट, यू यस, टू गिव यू द दिस इज करेक्ट द पाथ. सो हम बहुत उसको इंटरेस्टिंग एंजल्स है ना भी ये, बोल सकते हैं. इट्स अ राइट। तो साइकिक, ये साइकी यू नो ऑफ क्या अंडरस्टैंडिंग. तो वो सब हुआ, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिला, मेरी फैमिली बिल्कुल के साथ साथ जी सभी दोस्तों का मिला, सभी का, किसी एक का नहीं। मैं आज भी जी अगर मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, चाहे वो प्रतिमा दी हो, प्रतिमा दी आए जी बिकॉज शी इज़ वेरी सीनियर टू अस और हाँ हम रिस्पेक्ट करते हैं, या और लोग और हैं आपके लिए मुंबई वो में। दी है, वो मेरे लिए शी इज लाइक अ मदरली फिगर टू मी, सो आई कॉल हर एज माँ. तो ये लोग बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा, और जब भी हाँ कभी ऐसा लगा है कि आई नीड समवन तो शी इज ऑलवेज बिसाइड्स मी। एंड बिल्कुल जाकिर जाकिर इज द पर्सन की वेरी कूल पर्सन, अगर ही इज आउटडोर राइट नाउ। हम लोगों का कॉन्वर्सेशन वन लाइन कॉन्वर्सेशन होता है 3 मिनट का, ऐसा होता है। एंड आई नेवर, वो मुझे समझ ही नहीं आया आज तक, उनको भी नहीं समझ में आया कि जब हम दूर हैं तो हमको बातें क्या करनी चाहिए, क्या बातें कर सकते हैं हम लोग, अच्छा तो क्या है ना? कितनी बात होती है. हेलो ठीक क्या हो? ओके फाटू. क्या इतना ही क्या हो रहा है? अच्छा शॉर्ट में हो? नहीं हो? अच्छा कैसी हो शूटिंग? बढ़िया। अच्छा कैसा मौसम है? खाना खाया? नहीं खाया? हाउस द हेल्थ? हैव द एवरीथिंग? या और घर में क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? शनाया क्या कर रही है? वेयर इज हमजा? हाउ यू आर डूइंग? व्हाट? दैट्स इट। चलो ऑल द बेस्ट, एंजॉय, बाय 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 बाय। सो जब हम घर में आते हैं तो फिर बातें करते हैं, जब बाहर है तो विद रिस्पेक्ट, तो दैट वे ही इज ऑल्सो रिस्पेक्ट। जैसे कि मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, अभी तो खैर ऑनलाइन है, 6:30 आई स्टार्ट माई डे, मतलब आई लीव 6:30। तो अगर घर में ऐसे मैनेज करना है, बोलते अरे ये कर लेना, मशीन चला देना, या ये ऐसे कुकर में कर दिया है ना, है जैसे कि यू गो नो, तुम जाओ ना सब हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट देयर ओनली, आई एम हेयर। सो वेन एवर ही इज एट होम ही टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। रियली आई समटाइम आई जस्ट थिंक कि रियली, मतलब होता है ना कि आपने मोती दान किए होंगे जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसे हाँ अच्छे ये इंसान आ जाते कहावत हैं। है जी हाँ हाँ तो जाकिर इज लाइक दैट फॉर मी, वाह और एंड ही इज रियली, इट इज नॉट कि मैं सर एक दिस इज पब्लिक फॉर प्लेटफॉर्म, यू. एंड इट इज नॉट कि मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, नो इट इज नॉट, ही नहीं इट आप इज दिल से बोल ऑलवेज रहे हैं, इन आई नो माई दैट. प्रेयर इन थैंक्स कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला इन जो कि नोइंग अ पर्सन लाइक यू आई नो यू विल ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, एंड व्हेन यू कैन स्टैंड फॉर यू नो द वुमेन और एनी वन फॉर दैट सेक, आई नो दिस इज फ्रॉम योर हार्ट, थैंक यू सो मच। दिस इज फ्रॉम योर सो ही इज द हार्ट. पर्सन की सम टाइम आई से कि जब कभी भी मुझे जरूरत होगी तो शायद अगर कोई भी नहीं होगा मेरे साथ तो जाकिर होगा। इट इज दैट वे कि तभी तो इट होता है जोड़ियां कि बनती हैं. इट इज, और वही बात है कि नहीं तो हम सोचते यार मैं कहाँ, जाकिर कहाँ, हम कहाँ से मिल गए, कैसे मिल गए, और मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी, फिर इससे मेरी शादी कैसे हो गई, मैं शादी करना भी चाहती थी तो मैं आम ही मैन से शादी करना चाहती थी। इट इज दैट कि बट वो एक बहुत अच्छा दोस्त, पर हाँ शादी करके दोस्त थोड़ा गुम हो जाता है, बट नाउ वी आर हाँ स्टिल बिकम फ्रेंड्स, हम फिर से सो दोस्त बन गए सो हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू एंड आई होप वो कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए दोस्ती, मोर देन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ रिलेशन. सो जो आपकी शनाया, आई थिंक द स्वीट गर्ल कॉल्ड शनाया, आपको उसमें कुछ ट्रेट्स दिखते हैं जैसे कभी शीशे के सामने लिपस्टिक लगाना, एक्टिंग करना और समथिंग लाइक दैट? ओह माय गॉड, आई शेयर अ वीडियो लास्ट ईयर, मैंने देखा है उसके शीज डांस का, शी इज अ डांस के स्वीटहार्ट. अलावा शी वाज हैविंग द मिरर एंड शी वाज डूइंग द मेकअप लाइक वी यूज्ड टू डू इन थिएटर, फुल बिग मेकअप, द कैट मेकअप ना, वो वैसा पूरा बड़ा वाला, ये सब बैठ के पूरा ऐसे मेकअप। ओके सो See, that's आई what I सेड asked. कि See, that's why I asked, because I knew girls are, when they are एंड into this, यस एंड आई यूज टू कंडक्ट वो थिएटर वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, तो अच्छा. हर समर्स में मेरा वर्कशॉप रहता है बच्चों का, एंड शी इज ऑलवेज देयर विद So, मी, अभी ऑलवेज वर्चुअली देयर। आर यू कंडक्टिंग एनी वर्कशॉप मैम?
नो नो नॉट वर्चुअली, आई एम जस्ट वेरी ऑन चिलपिल नोट, अच्छा चल बहुत पे लो। वर्चुअली बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा मैं उसमें, आई एम नॉट सो एम्बिशियस माधवी। मुझे वो अच्छा लगता है जो मेरे दिल को पसंद है, जो मेरा करने को मन है। मुझे अगर अभी लिखने को मन है मैं अभी लिखूँगी, अभी मुझे कुछ सिखाने को मन है तो मैं अभी सिखा दूँगी, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। नहीं अभी आएगी, मेरा दिल नहीं है आएगी। कि मैं फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करूँ तो मैं फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करूँगी, इट इज़ दैट वे। तो आपने मूवी और डायरेक्शन की तरफ भी सोचा कि मूवी राइटिंग करें, स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर मूवी जो आप खुद कर मूवी सकें? मूवी यस इट इज़ इन प्लान कि एक इट्स इन स्क्रिप्ट द बने, पाइपलाइन। सो यस आई एम थिंकिंग कि स्क्रिप्ट मेरे हो जाए कंप्लीट। और हेजिटेशंस हैं थोड़े से क्योंकि अभी जो सिनेरियो एकदम चेंज है हाँ यस और वो उसके यस। लिए इट इज़ नॉट सो इजी, बट चलिए अभी मूवी के सिनेरियो पे बात हुई है तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि हाउ डू यू फील अबाउट द करेंट सिनेरियो व्हिच इज गोइंग, सो मेनी सुसाइडल केसेस आई सी नाउ, व्हाई? दिस इज़ द एक्चुअली बिग क्वेश्चन ऑन सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग सोसाइटी, प्रेशर इतना रहता है, पीयर प्रेशर्स तो होते ही, लेकिन अभी क्या है कि पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अभी जो इट इज़ नॉट ओनली दिस फिल्म्स, इट इज़ नॉट ओनली थिएटर, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ सिर्फ हमको पेशेंस चाहिए, वी हैव टू वेट फॉर अवर टर्न। नहीं आएगी टर्न, नहीं मिलेगा, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर क्रिएटिविटी। एक चीज़ मुझे नहीं मिली है तो ज़िंदगी को क्यों छोड़ना? आप ज़िंदगी को इस तरह से बनाइए कि किसी और के काम आ जाए। एक ज़िंदगी ख़त्म होने से आप कम से कम 20 लोगों की जिंदगियां खराब करके चले जाते हैं। दूसरी चीज, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? सुसाइड इज एब्सोल्युटली, आई कंडेम दैट, कि नहीं सोचना चाहिए, पेशेंस रखनी वेल चाहिए। मैम, जो आप कह रहे वो मैं 100% उससे अग्री करती हूँ। दैट इज अ क्वेश्चन टू द सोसाइटी एंड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, बट ऑन कॉन्ट्रेरी समटाइम्स व्हेन यू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो सुसाइड हमें दिखता है क्या पता वो हो या ना हो। दिस इज द क्वेश्चन कि देखो ह्यूमिलेशन भी बहुत होता है, बहुत ह्यूमिलेशन होता है कि जैसे एब्सोल्युटली मेरे पास आए हैविंग द बिग थिएटर ग्रुप और बहुत नए लड़के भी आते हैं, नए लड़कियां भी आती हैं जिनको कि थिएटर में ऐसे लोग आते हैं नए कि मैम हम एक्टिंग सीखना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम थिएटर करना चाहते हैं। होता है, पहला स्टेप चाहिए होता है क्योंकि सबको, सबके सो सपने अल्टीमेटली वही होते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा स्टार बनना है, हमें एक मूवीज करनी है, हमें एक बॉलीवुड स्टार राइट बनना है। तो आप उनको राइट कैसे संभालते हैं, आप उनको क्या राय देते हैं कि बच्चे पहले एक्टिंग का ए तो सीख ले? मैं नहीं देती हूँ। मेरे पास आते हैं कि मैम वी वांट टू लर्न, मैम मुझे सीखना है, क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं कर सकता। पहले शुरू में ये था कि हमें हाँ जाओ आ जाओ आ जाओ, पिछले 2-3 साल से ऐसे कि नहीं लेट मी चूज, क्योंकि अच्छा सिखाती हूँ, सीखे, 2 प्ले किए, 3 प्ले किए, उसके बाद आपने ऑडिशंस दिए, आप उसमें आपको कैरेक्टर मिल गया, फिर आपके शो है तो आप अपना कमिटमेंट ख़त्म कर देते हैं, फिर आप पलट के नहीं आते। थिएटर की हालत अच्छी नहीं है मुंबई हाँ, में, मुंबई में नहीं है, आई दिल्ली नो। में, दिल्ली में एक अलग है। मैं आज भी माई थिएटर ग्रुप देयर इज़ अ बॉयज़ की मूवी रिलीज होने वाली है अभी कल या परसों में, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बोला कि हाँ ठीक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ा ऊंचा उड़ते हैं, भूल जाते हैं माँ बाप को कि भाई माँ बाप है नीचे, माँ बाप तो बच्चों को बड़ा इसलिए करते हैं ताकि उड़ पाएँ। तो इट इज़ दैट ओनली कि अगर मैं मेरे थिएटर के जितनी भी मेम्बर्स हैं, इट्स फैमिली ओनली, थिएटर सर्कल फैमिली आई यूज टू कॉल दैम, और मैं बहुत क्लोज हूँ उनके उनके सुख दुख में या वो मेरे सुख दुख में, हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, समवेयर देर इज़ अ नो कमिटमेंट। और वो जो आपके प्रोफेशन के साथ अपॉर्चुनिटी को देख के आप अपना कमिटमेंट चेंज कर लेते हैं, इट इफ़ेक्ट्स इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। कि जब आप अपने प्रोफेशन में जहाँ से आपने शुरुआत की, जहाँ से आप कर रहे हैं, वहाँ आप कमिटेड नहीं हैं, तो आप अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी रिलेशनशिप में आप कमिटेड नहीं रह सकते। और वो सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है, वो आप अपने पेरेंट्स की भी बात है, आप अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। सो एब्सोल्युटली समवेयर सम हाउ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन कि
कि ये आपका कमिटमेंट है, भले ही आपका लाखों का करोड़ों का नुकसान हो। वी अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड कि सबका ड्रीम वही है कि भाई आपको फिल्म्स करनी है, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है, और वहीं पैसा है, वहीं नाम है, वहीं फेम है, लेकिन वहाँ जो ह्यूमिलेशन होता है, उस कंपटीशन के ह्यूमिलेशन में, जैसे कि ऑडिशन देने का सिनेरियो होता है, आप गए वहाँ पर, कहीं कास्टिंग हो रही, बोला वो 150 लड़के लड़की हैं, वहाँ से एक कास्टिंग डायरेक्टर निकल के आता है, ये एज ग्रुप, ये एज ग्रुप, ये एज ग्रुप, अच्छा तुम फिट हो, तुम फिट हो, तुम फिट हो, तुम फिट हो, ये चार लोग रुको, बाकी जाओ। प्रतिमा मैम इसी यहाँ से पे है, नमस्ते मैम, वेलकम जी। तो यहाँ जो ह्यूमिलेशन हो जाता है बच्चों को या नई जनरेशन को, वहाँ आके वो लोग हिम्मत हार देते हैं। 6 महीने होते हैं आकर बॉम्बे में, उनको 6 महीने हो के फिर उनको लगता है कि भाई हम तो स्टार नहीं बने, या अभी हमको टीवी नहीं मिली। और सबका अपना ये, कुछ लोग हैं कि उनमें से कुछ है तय करके आते हैं कि हमको फिल्म ही करनी है या हमको टीवी करना है। थिएटर तो उनका एक ये है कि चलो थोड़ा बहुत सीख लेंगे, हमको डांस आना चाहिए, लुक्स अच्छे होने चाहिए हमारे, हमको फाइटिंग आनी चाहिए, और एक आध प्ले कर लो, डायलॉग बोलने आ जाएंगे हमको बस। तो थिएटर तो अभी बिल्कुल बॉम्बे में ऐसा हो गया, उसकी हालत अच्छी नहीं है। मैं अभी एक कास्ट तैयार करूँगी, एक ग्रुप तैयार करूँगी, 2 शो होंगे, तीसरे शो के लिए मुझे उनसे स्ट्रगल करना पड़ता है कि आर यू अवेलेबल, आर यू देयर, आर यू देयर, नहीं मैम आई एम बिजी, नो मैम आई एम शूटिंग दैट डे, ओके। मतलब इतना तक होता है कि भाई शो वाले दिन अगर आपकी शूटिंग है, कैन यू कम बाय टू, आप शूटिंग मत कैंसिल करिए। और मैं तो बोलती भी हूँ अपने ग्रुप में कि आप ऑडिशन देने जाइए, शूटिंग करने जाइए, लेकिन जिस दिन शो है कम से कम उस दिन तो आप थोड़ा सा कमिटमेंट रखिए ना। फिर कास्ट को नए सिरे से तैयार करो, नए सिरे से सिखाओ। तो यहाँ आके भी थोड़ा वो हो जाता है, इसकी वजह से आई एम नॉट टेकिंग एनी वर्चुअल और फिजिकल एनी वर्कशॉप राइट नाउ। वाह, सो मैम आई थिंक वी हैव टू एंड दिस सेशन फॉर टुडे, बट इट वाज लवली टॉकिंग टू, बट बिफोर आई लीव और वी एंड दिस सेशन, आई वांट यू टू गिव एन अनदर इंस्पिरेशन मैसेज टू ऑल योर व्यूअर्स, और रादर स्पेशली द वुमेन्स ऑफ टुडे, दैट वट एवर इज हैपनिंग और अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर इज इन योर हार्ट, प्लीज कन्वे योर मैसेज। वॉट मैसेज आई शुड गिव, आई कैन से ओनली रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड रिस्पेक्ट अदर्स इन एवरी वे। वेन यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डेफिनेटली यू रिस्पेक्ट अदर्स। एवरी वन इज ह्यूमन बींग, एवरी वन इज इक्वल टू यू, नो वन इज लेस एंड नो वन इज मोर देन यू। वाह, एटलीस्ट इट इज माई मैसेज फॉर एवरी वन। इट सेज ऑल, नो वन इज लेस एंड नो वन इज मोर देन यू। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी स्मॉल, अगेन आई से दिस, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड होप टू सी यू वेरी सून इन हैदराबाद विद अ ग्रेट प्ले कमिंग, एंड आई वॉन्ट सी यू इन दैट। थैंक यू सो मच माधवी, थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी, थैंक यू प्रतिमा दी, यू हैव कम ऑन शो, थैंक यू एंड मैम, या थैंक यू थैंक यू टू हर एवरीवन, ऑल्सो, थैंक एंड यू यू, आर वेरी स्वीट माधवी, एंड यू आर थैंक वेरी यू मैम, वेरी थैंक यू मैम, इंस्पिरेशनल, एंड द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। गॉड ब्लेस यू डियर। आई नीड योर ब्लेसिंग्स मैम, दिस इज अ नीड फॉर एन आवर फॉर मी, लव लव यू, यू लव मैम, यू, थैंक लव यू यू, सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू डियर, हैव अ ग्रेट थैंक डे, यू, गुड नाइट मैम, गुड नाइट डियर, गुड नाइट। ग्रेट। So I would love to really thank her from the very core of my heart for coming on to my show, and she has been really the backbone of a woman, especially when she has so many theater groups, and also to Pratima ma'am, as you know, she was the one who introduced her to me, and I really thank every viewers for watching this program too, and please do subscribe to my channel. And these, you know, this program recordings will always be there on YouTube. So, see you once again on What's Your Story with another celeb or a distinguished personality. Till that time, take care. Good night.